कैबिनेट मिशन की हमने बात किया था, और कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि जो मांग थी पृथक पाकिस्तान की मांग, उसको अस्वीकार कर दिया था। कैबिनेट मिशन कितना था? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। कौन कौन था उसमें? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे और पेथिन लॉरेंस थे। अब क्या हुआ, जब इन्होंने बहुत अपनी जो भी रिपोर्ट दिया, बहुत से पॉइंट थे, बट मेन पॉइंट क्या था कि अलग जो पृथक पाकिस्तान की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया था। और इस बात से जो सबसे ज़्यादा नाराज़गी किसको हुई? मुस्लिम लीग को और मोहम्मद अली जिन्ना को। और उन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, है ना, डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत कर दी। और इससे पूरे देश में भयानक दंगे हुए, है ना, एक पूरा सांप्रदायिक उन्माद था। और पूर्वी बंगाल, बिहार, बहुत सारे एरियो में बुरी तरह से फैल गया। और एक पॉइंट लिख लें कि दंगे का मुख्य केंद्र नोआखाली था। दंगे का प्रमुख केंद्र जो था वो नोआखाली था। यहां लगभग 6,000 लोग मारे गए। नोआखाली ये है कहाँ पे? ये बंगाल में बेटा। यहाँ लगभग 6,000 लोग मारे गए और 20,000 लोग घायल हुए। ये सबसे ज्यादा जो दंगा जो हुआ वो ये क्षेत्र था। सर 6,000 मारे गए, 6,000 लोग मारे गए और 20,000 लोग हुए। ठीक। अब जो है ये एरिया बांग्लादेश में बच्चों चला गया, ठीक है ना। अब जो है 1971 के बाद जब बांग्लादेश बना है तो ये चला गया चटगांव। हिस्ट्री में चटगांव का भी नाम आता है। तो उसके उसी मंडल में एक जिला है, ठीक है ना, मेघना नदी के पास है। नोआखाली जो नोआखाली डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है पीतल के बर्तन के लिए। पीतल के बर्तन के लिए फेमस है। चटगांव डिवीजन में ये एक जिला है। तो ये मुख्य जगह थी। इस तरह से एक ना गांव भी है, कभी गलती हो जाए यूँ ही चलो बताया था ना गांव। तो ये असम में है। यूँ ही याद रखें ना गांव जिला जो है वो असम में है। और असम में नदी बहती है कलंग नदी। कलम नदी उस नदी पर है। अब क्या होता है, जब सीधी कार्रवाई दिवस जब हो जाता है तो उसके पश्चात जब बड़ा माहौल देश का बिगड़ जाता है, तब अंग्रेज सरकार क्या करती है, अंतरिम सरकार का गठन करती है। अब धीरे धीरे क्या किया जाए कि हिंदुस्तान की जो शासन व्यवस्था है वो हिंदुस्तानियों को दिया जाए, कांग्रेस को अब आगे बढ़ के इस व्यवस्था को संभालें। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन। और जो कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था इसको लाजमी स्वीकार कौन करेगा? कांग्रेस तो खुश हो जाएगा, अच्छी बात है कि अलग राष्ट्र के रूप में, एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो लिखेंगे कांग्रेस द्वारा
वायसराय के प्रस्तावों को कांग्रेस द्वारा वायसराय के प्रस्तावों को स्वीकार करने के पश्चात अगस्त 1946 को वायसराय वेबल ने कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण भेजा। और हम यहां पर कह सकते हैं कि अंग्रेजों के भारत में आने के पश्चात अंतरिम सरकार के गठन के रूप में पहली बार भारत का शासन भारतीयों के हाथ में आया ना। अगर देखा जाए तो ये अंतरिम सरकार के साथ ही क्या हुआ, पहली बार जो है भारत का शासन किसके हाथ में आता है, भारतीयों के हाथ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई और शुरू में क्या हुआ था कि इस सरकार में मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया था कि हम शामिल नहीं होंगे, अपनी कुछ बातें थी, फिर उसका डिस्कशन करेंगे, परंतु बाद में वो शामिल हो गई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना किया, परंतु बाद में अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हो गई। सर 15 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हो गई। और इसके 4 सदस्यों को इस अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, जिनके नाम हैं, नंबर 1 लियाकत अली, दूसरे हैं अब्दुल रब निस्तर, दिख रहा है ना, आ रहा है क्लियर, योगेंद्र नाथ मंडल, क्लियर, और आई आई चुंदरी गार। ये 4 नाम याद रखेंगे जो अंतरिम सरकार के सदस्य बने थे।
अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर अब पहले अंतरिम सरकार का गठन किया गया, देन उसके बाद क्या हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी इसको बनाया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कुल 296 स्थानों के लिए संविधान सभा का चुनाव हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। मैं इसकी बात कॉन्स्टिट्यूशन में करूंगा, है ना, विधिवत रूप से उसकी बात करूंगा। फिलहाल इतिहास में हम क्रम वाइज चल रहे हैं, है ना, कि 1940 में किस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मंच से करी, चौधरी रहमत अली ने नाम दिया पाकिस्तान, और किस तरह 1930 में मोहम्मद इकबाल ने एक विचार दिया पृथक राष्ट्र का, है ना। फिर हम 42 में आए, भारत छोड़ आंदोलन की बात करी हमने, मूवमेंट की बात की, समांतर सरकार। तो इस क्रम में हम ये बात कर रहे हैं, है ना। संविधान सभा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था उसको मैं बता दूंगा पूरा विधिवत रूप से, पर यह कि हाँ इस बीच क्या हुआ कि सरकार जो थी अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान की सरकार की जो बागडोर है वो हिंदुस्तान को और भारतीयों को देना प्रारंभ किया गया। तो इस संदर्भ में क्या हुआ, 296 स्थानों पर किसको कितने सीट्स थी, मुस्लिम लीग को क्या था, किसके कितने सदस्य थे, वो विधिवत बताऊंगा। दो चार पॉइंट और लिखे यहाँ पर कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने 9 दिसंबर को। बेटा असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, असेंबली बोलेंगे हम यहाँ पर, संविधान सभा को असेंबली में इसके अस्थाई सदस्य, अस्थाई समझ के परमानेंट नहीं, परमानेंट का क्या हुआ, टेम्परेरी, टेम्परेरी है बेटा, अध्यक्ष अध्यक्ष बने बेटा, सदस्य तो 296 बहुत, वो तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। अस्थाई अध्यक्ष पहले सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर को बने, 11 दिसंबर को स्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, दो दिन के लिए बने थे। हाँ, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पेश किया, प्रस्ताव उद्देश्य संबंधी, पूरा पूरा उसका सार, है ना, उद्देश्य पूरा, मतलब इसको हम प्रेम्बल के रूप में देख सकते हैं, है ना, वहीं से रूप निकलता है, पूरा जो सार था उसको प्रस्तुत किया, और जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। सर 22 जनवरी 1947 तो इसको पारित कर दिया गया।
फिलहाल इस तरह से एक रूपरेखा बना के संविधान सभा की देश की बागडोर को हिंदुस्तान या कांग्रेस को दिया गई, एक रूपरेखा बन गई। अब इसके बाद क्या हो, इससे पहले जो मैंने बताया था कि इलेक्शन होता है और किस तरह से कंजर्वेटिव पार्टी के चर्चिल पराजित होते हैं और एटली जीत जाते हैं, और एटली के घोषणा पत्र में मुख्य रूप से इस बात का जिक्र था कि अगर उनकी सरकार आती है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है उसको क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। अब एटली क्या करते हैं, एटली अब एक नया वायसराय को नियुक्त करते हैं, वेबल के स्थान पर कौन आता है, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसके साथ ही साथ एटली जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा करते हैं किस बात की, कि हम जो हैं वो जून 1948 याद रखेंगे, जून 1948 से पहले पहले हिंदुस्तान को क्या कर देंगे, उसको उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो हम सौंप देंगे। तो ये घोषणा कौन करते हैं, इटली। इस तरह से क्वेश्चन बनता है हिंदुस्तान की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो चर्चिल पे टिक नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे, बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं। अब इस समय क्या था, चर्चिल हार चुके थे और एटली जो थे वो प्रधानमंत्री के रूप में आ गए थे। तो नेक्स्ट लिखें कि फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में एटलीज डिक्लेरेशन कहेंगे हम इसको, एटली की घोषणा डिक्लेयर करते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में एटली कि जून 1948, इस डेट को याद रखेंगे, हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 15 अगस्त, परंतु हिंदुस्तान की आजादी की अंतिम समय सीमा जो निर्धारित की थी, कहने का मकसद बड़ा सीधा सा है कि एक जिम्मेदारी होती है, जैसे कि अगर हम क्लास भी ले रहे हैं तो अगर हम कहीं कहीं अगर कोचिंग की बात करें तो डायरेक्टर के साथ जो भी टीचर का दिक्कत हो, बट एक उसकी जिम्मेदारी क्या होती, क्लास के प्रति भी होती है। अब अचानक क्लास छोड़ के चले जाना तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, आप कम से कम एक डेट दे दें कि हम जो हैं वो नेक्स्ट 20 तारीख के बाद से नहीं पढ़ाएंगे और तब तक आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। मान लीजिए आज 10 तारीख है और कह दिया उसने कि 20 तारीख के बाद हम नहीं आएंगे, आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। तो अंतिम समय सीमा क्या, 20 तारीख, 10 तारीख को बोला गया और हमने क्या किया, 15 तारीख को अपने सिस्टम में एक नया टीचर ले आए। तो अंतिम समय सीमा 20 और हमने व्यवस्था कब संभाल ली, 15 तारीख को। तो कहा गया कि जून 1948 तक अंतिम समय सीमा है, उससे पहले पहले आप अपने सिस्टम को बना लें और देख लें। तो हमने क्या किया, 15 अगस्त 1947 को चीजों को अपने तरीके से मैनेज कर लिया, ठीक है। तो अंतिम समय सीमा जून 1948, तो क्या उन्होंने डिक्लेयर किया कि जून 1948 से पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप कर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, जून 1948 से पूर्व भारतीयों को सत्ता सौंप कर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। क्लियर है, ये किसने कहा था, एटली ने। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट क्या, एटली ने क्या किया कि लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड माउंटबेटन को
इसलिए कहते हैं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इटली। और ये भी याद रखेंगे पुरानी बात जो बता चुका हूं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, 1857 का जब क्रांति हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था बताएगा कोई, यही याद रह गया है, लॉर्ड कैनिंग। यस, है ना, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। हाँ, और अच्छा 1857 वही तो बोला। चलो अब समझ में आ गया, 1857 का क्रांति बोला, अब बताएगा उत्कर्ष बताएंगे कि इस समय पीएम कौन थे ब्रिटेन के, तो पाल्मस्टन थे। वेरी नाइस, गुड। तुम्हें तो चॉकलेट मिलनी चाहिए यार, तुम तो पढ़ने लगे हो। नहीं नहीं रुको बेटा, मतलब कहा है, सीरियस कहा होगा तुम, हमारा किताब देने तो अभी तक नहीं आए। सर आप मना कर दिया इतने प्यार से, तुमने कहा गुरु गुरु की आज्ञा का पालन करते हो तो नहीं देंगे। बेटा मैं चाह रहा हूँ अच्छी सी चॉकलेट मुझे तुम आधे घंटे बाद खिला दो, बड़ा मन कर रहा है मेरा। तो अगर हम घर पे लेके आए और हमको मैम दरवाजे लौटा दे। नहीं नहीं, अब तो गुरु की आज्ञा पालन करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अरे इसमें फिर मैम घर परिवार कुछ ऐसा कुछ नहीं बेटा, हम छत पे खड़े तो फेंक देना ऊपर से, नीचे से फेंक देना, कैच कर लेंगे। पहले छोड़ दीजिए क्योंकि फिर बंद हो जाएगा। चलो ठीक, कल तुम दोपहर में किसी से फेंक देना, ठीक, हमें फोन करके फेंक देना, गुरु के आज्ञा का पालन होगा। ठीक, ओके बेटा। सही में यार चॉकलेट का नाम लिया, खाने मन हो गया है। कौन सी खाएंगे, अब स्टैंडर्ड वाली खाएंगे अच्छी, वैसे नहीं 5 रुपए ले आओ पतली वाली तुम लग दे जाओ डेयरी मिल्क वाली हमको, अब जिसके जिसके अंदर कुछ निकलता रहता है क्या, सब सब निकलता है यार, अच्छा अच्छा सा सामान राइट, नट्स वाली। अब समझ आ गई, अब तो कल तक खा ली जाएगी, अब तो ज्यादा मन कर रहा है सब, है ना, जब मना हो ना जो चीज खाने का ज्यादा मन होता है। सर आज मैं राजपुरम गया था जहाँ पे पहले कोचिंग थी आपकी, सर उसके बगल में वो पीआईटी वाला इंस्टीट्यूट जो था, सर वो नाइलेट से एफिलिएटेड है कि उन्होंने ऐसे ही अपना मतलब खोल रखा है, पता नहीं बच्चे ये बात मुझे कैसे क्या है, मतलब ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है वो सर। नहीं है तो ठीक है, काम तो करते थे वो मेरे सामने, पर कोई कभी कोई खबर तो नहीं आई कभी, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई। पता है लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, पापा ने कहा कि ओ लेवल करके रख लेने का, तो ओ लेवल के लिए बहुत ज्यादा घूमे इधर उधर, तो अब सबसे घूमो मत इस समय बेटा, कोरोना के टाइम तुम ये सब कर। नहीं मैं नहीं, मतलब प्रिकॉशंस के साथ गए तो फिर सब पता था, करने के बाद पता चला कि बेस्ट जो है वो हजरतगंज में है, यूपी टेक वाला अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है उनकी भी, तो फिर यहाँ बाद में जब लौट रहे तो ये भी देखा जिस पे भी था, लेकिन तो लेकिन उनका कि ये मतलब नाइलेट से अफिलिएटेड नहीं है। डेन तो अभी देख कुछ कुछ पक्का नहीं बता उसका भी, रहने दो देख, बड़ा सोच समझ ही करना, पहला कर भी लिया वो बाद में फिर उसका कोई वैल्यू ना हो फिर क्या फायदा, रुक जाओ हम भी हमें हमको बता दिया, हम भी पता करते हैं, ठीक है फिर बताते तुम्हें, अच्छा नज़र में डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो वायसराय बन गए, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में क्या किया इसका लिख लिया था, हाँ इसको याद रखते हैं, पुरानी बात याद आ गई मुझे, है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था, इसको इसका घोषणा किया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का घोषणा किसने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में, इसीलिए इसको कहते हैं मन बाटन योजना, मन बाटन योजना भी कहा गया इसको, मन बाटन योजना, है ना, हिंदू और मुसलमानों के मनों को बांट दिया, ये भी कहा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि भारत मतलब पाकिस्तान के लिए वो अलग, हाँ अब डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो रहा है, तो ये डिक्लेरेशन कब हुआ, 3 जून को हुआ,
और उस अपना अपना जो इन्होंने था उसमें अपने अपनी योजना में कहा गया, जो प्लान था उसमें कहा इन्होंने कि भारत दो हिस्सों कौमा भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा, भारतीय संघ और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। तथा उत्तर पश्चिमी सीमा नॉर्थ वेस्ट, समझ गए वो ऊपर पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह पब्लिक ओपिनियन, जनमत संग्रह द्वारा द्वारा विभाजन का विकल्प प्रस्तुत किया। यही है हकीकत के, जब हिंदुस्तान से अंग्रेज गए तो किस तरह से हिंदुस्तान को तोड़कर गए कि एक ही हिंदुस्तान में 50 हिंदुस्तान बन जाए। जो मैं हमेशा कहता रहा कि माउंटबेटन योजना इस तरह से था कि देखा कि पब्लिक ओपिनियन कर ले, यहाँ कहीं भी अगर मुस्लिम बहुल इलाका है तो वो चाहे तो फिर वो पाकिस्तान के साथ चला जाए। यही तो कारण रहा कि कहाँ का इस साइड कहाँ जो हमारा पाकिस्तान है, जो 1971 में जो बांग्लादेश बना उससे पहले उसका नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान। अगर हम इस तरह से भारत की बात कर दें है ना, तो ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका ये था ना, तो एक पाकिस्तान तो था और दूसरा जो हमारा इधर जो बांग्लादेश है इसका पहले नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान है ना। तो जन्म संग्रह वाली बात हो गई, और ये 1905 से ही हम इस पूरे इतिहास में देख रहे हैं किस तरह से बंगाल विभाजन होना, मार्ले मिंटो योजना में किस तरह से पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की बात करना है ना। तो ये सिलसिला चल ही रहा है, ये पूरा पूरा बहुमत है, मुस्लिम बहुल इलाका है ये अपने आप में है ना, इसलिए तो इस तरह से बंटवारा बंगाल विभाजन का किया गया था, इसलिए तो इसको वेस्ट बंगाल हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट हो गया था। तो यही जो कहा था कि जनमत संग्रह हो जाए, और इसके बाद ये भी कहा था कि जो देशी राजे रजवाड़े हैं वो चाहें तो वो हिंदुस्तान के साथ चले जाए, चाहें तो पाकिस्तान के साथ चले जाए, चाहे तो वो स्वतंत्र रहे। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ था कि तीन जो स्टेट थी है ना, जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद है ना, जम्मू कश्मीर पोलो विजय यही सब बता चुका हूँ ना इसके बारे में एक बार जी जी है ना, जूनागढ़ हो गया और हैदराबाद, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था है ना इस तरह से। तो इन लोगों ने भी कहा था कि नहीं हम साथ में नहीं आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही पूरा काम था, कश्मीर वाली से पूरी लॉन्ग स्टोरी है अपनी। हाँ, हम लोग जिक्र कर चुके हैं ना इसका, जम्मू कश्मीर में किस तरह से जम्मू कश्मीर का जो शासक था वो हिंदू था, जनता जो थी वो मोहम्मदन थी, जनता उधर जाना चाहती थी वो इधर आना चाहते थे, फिर सरदार पटेल के पास गए पंडित जी के पास, और वहां पर जाके उन्होंने अपनी मांगा, हेल्प मांगी, तब उन्होंने कहा था कि पहले लिखा बढ़ी कर लो फिर हेल्प दी जाएगी, ऐसा ना हो कि दिक्कत पैदा हो जाए। तो फिर आर्टिकल 370 के तहत क्या हुआ, पूरा कहानी अलग से बनी वो, क्लियर है। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का ही सिस्टम था कि जाते जाते भी इस तरह से हिंदुस्तान को तोड़ दिया जाए कि कभी भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में ये उदय ना हो पाए। तो इन्होंने क्या कहा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा विभाजन के संबंध में विकल्प दिया, एक तो इन्होंने कहा, क्लियर है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो भी देशी राजा रजवाड़ा है चाहे तो भारत के साथ, चाहे तो पाकिस्तान के साथ, चाहे तो वे स्वतंत्र रूप से रह सकता है। और ये लॉर्ड माउंटबेटन की योजना हो गई, और उसके बाद अब हिंदुस्तान को हम आजाद कराते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट लिखें कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में 4
1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वाधीनता मतलब इंडिपेंडेंस, हाँ, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। कौन सा एक्ट रखा गया? द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो था। ओ, रखा गया जो 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश सम्राट का साइन हो गया, मतलब जैसे कि राष्ट्रपति बिल पे साइन करता देन वो एक्ट बन जाता है, तो पहले वहां की भी संसद में क्या किया जाएगा, विधेयक बिल को रखा जाएगा, उस पर बातचीत होगी। और ये पूरा का पूरा जो विधेयक था उसका नाम ही था द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और वहां पर जो जो ब्रिटिश सम्राट है उसका साइन कब हो जाता है? 18 जुलाई 1947 को। और जिसके साथ ही क्या हो जाता है, डिक्लेरेशन हो जाता है और बन जाते हैं दो नए राष्ट्र, एक 15 अगस्त को, दूसरा 14 अगस्त को। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो जाता है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हो जाता है। और एक ही दिन में ये डिक्लेरेशन हो रहा है वो मैं ज्योग्राफी की क्लास में समझा दूंगा, किस तरह से पृथ्वी घूमती है और सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है, कैसे टाइम बदलता है। और रात 12 बजे डिक्लेरेशन होता है तो जो पाकिस्तान का टाइम थोड़ा सा पीछे है, है ना, भारत आगे, जब भारत में 15 हो रहा होगा, 15 तारीख हो रहा होगा तो आधा घंटा पीछे पाकिस्तान होगा उस समय, तो वहाँ पर 14 अगस्त हो रहा होगा। वो मैं बता दूंगा जब ज्योग्राफी हम लोग करेंगे, किस तरह से वो पूरा का पूरा टाइम निकालना सिखा दूंगा। आता रहता क्वेश्चन एक टाइम निकालने वाला, सभी एग्जाम में दिखाई देता है। और इस तरह से दो नए राष्ट्र बन गए। बता सके टाइम निकालने वाला भी? चलो फिर क्लास में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाले पढ़ा रहे थे। ओके, फिर बच्चों को बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट का। तो इस तरह से क्या हुआ, एक ही दिन में डिक्लेरेशन हो रहा है, परंतु 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भारत मनाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान। अब दोनों के जो है यहाँ याद रखेंगे, प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली, याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना पे टिकने लगा देंगे वो एज ए राष्ट्रपति, है ना। और यहाँ पर बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लियाकत अली कौन बनते हैं? वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जिन्ना प्रधानमंत्री नहीं बनते, वो हेड रहते हैं, मतलब ऐसे राष्ट्रपति या गवर्नर कह लेंगे हम। और जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत के जो वायसराय, जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना, जब याद रखेंगे कि आज़ादी के बाद जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और फिर बाद में जो थे राजगोपालाचारी आए, तो अगर पूछा जाता है कि पहले भारतीय, तब राजगोपालाचारी पे टिक लगाएंगे, और अगर पहला बोला जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन पे टिक लगाएंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से आप समझ गए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कैसे दो राष्ट्र बनते हैं। मैं लगातार इतिहास को एक क्रम में लेकर चल रहा हूँ और इसी तरह से चीज़ों को हम समझते चलेंगे। फिलहाल अभी जो है मैं इस क्लास को समाप्त कर रहा हूँ, परंतु इसके साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ऐप भी है, दास भाई बादल चोपड़ा के नाम से, आप नोट कर लें, दास भाई बादल चोपड़ा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं कुछ लीग से अलग हटकर काम करता रहा हूँ और ऑफलाइन के
तरीके से ही पढ़ाना चाहता हूँ मैं बच्चों को, आप मेरे फ़ोन नंबर पर आकर मुझसे जुड़ सकते हैं और हम लाइव क्लासेस लेंगे, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। तो मेरा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 7850616। इसी तरह से हम पॉइंट वाइज हर चीज को क्लियर करते चलेंगे। गुड नाइट।